चलो सर, कैसे हो आप? सोलो से ये जो यामा R15 देख रहे हैं भाई, ये है ऑल न्यू 2024 यामा R15 वर्जन 4। एंड इसमें जो ना वाइट कलर पहले भी आता था और अभी भी आपको देखने को मिलेगा। और इस यामा R15 में क्या कुछ नई चीज़ें आपको देखने मिलेगी 2024 में आपको ऑन रोड कितने की पड़ जाएगी बाइक, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर वीडियो के एंड से जरूर देखना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं की से। तो यहाँ पे बेसिक सी की आपको मिल जाएगी, की मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं की इंसर्ट करता हूँ अपने इग्निशन जो है ऑन हो गया है, और यहाँ पे आप लोग देखो जो DRLs हैं वो भी यहाँ पे ऑन हो चुकी है। LED DRLs आपको मिलती है। सही बताऊँ तो ये R3 से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है भाई देखने में। जो फ्रंट लुक है ना बाइक का, सीरियसली बहुत ही शानदार है। उसके बाद बीच में जो है ना इसमें आपको LED प्रोजेक्टर लाइट मिल जाएगी जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे R15 की स्टिकरिंग, एंड ओवरऑल देखने में काफ़ी बढ़िया है इसका फ्रंट जो कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। एंड उसके बाद USD सस्पेंशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फ्रंट में जो है ना ये टायर दिखेगा काफ़ी चौड़ा, बट ये एग्जैक्टली कितने सेक्शन का है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो एग्जैक्टली जो साइज़ है ना वो है 100 सेक्शन का। ये देखो स्टैंडर्ड सेक्शन का आपको फ्रंट में टायर मिल जाएगा इसमें, MRF का है। और ये रेडियल टायर नहीं है, नॉर्मल टायर है। एंड यहाँ पे जो ट्यूबलेस टायर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, ड्यूअल चेन लेवेस आपको मिल जाएगा। उसके बाद बाइब्री के जो आपको यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं। साइड में आऊँ तो भाई साइड से लुक काफ़ी बढ़िया है। स्टीकर जो आप लोग देख लो सिल्वर कलर में जो है पूरे आपको ग्राफिक्स मिलेंगे। R15 वर्जन 4 यहाँ पे लिखा हुआ है और काफ़ी बढ़िया सा जो है कम्बिनेशन आपको लगेगा। हेलोजन में इसके जो इंडिकेटर्स है जो कि थोड़े से इस तरह से हिलते हैं, जब किसी भी R15 में ले सब में हिलते हैं, तो आई डोंट नो क्यों इतने लूज़। एंड ये सॉफ्ट प्लास्टिक के भी नहीं है, थोड़ी हार्ड ही है, तो गिरते ही ये टूटते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो है पूरी फेयरिंग है ना इसका जो डिज़ाइन बनाया है भाई, सीरियसली यामा ने मतलब ज़बरदस्त डिज़ाइन बना रखा है। उसके बाद ये जो इसका टैंक है ये है इसका 11 लीटर्स का, अराउंड 10 से 12 लीटर आ जाता है फिर भी इसके अंदर। एंड यहाँ पे आप लोग देखो ये बटन्स है ना, अब इन्होंने ये थोड़े से चेंज कर दिए इस वाले मॉडल में। ये देखो पहले जो थोड़े डिफरेंट आते थे, एंड यहाँ पे हैज़ार्ड का बटन इसमें फिट कर दिया है। उसके बाद जब नीचे आऊँगा तो यहाँ पे इंजन अपना मिल जाता है, एंड 155 cc का ये लिक्विड कूल्ड इंजन है। पावर देता है 18.6 PS की और 14.1 Nm का जो है टॉर्क आपको देता है। 6 स्पीड का गेयरबॉक्स है, अराउंड 45 के करीब जो है माइलेज आपको देता है। हाईवे पे जो है 50 भी दे देती है, या आप एक कंटिन्यू लाइक जो है लो स्पीड में चलाते हो ना 80-100 क्रूज़ करके चलाओगे तो आपको अच्छी माइलेज मिल जाएगी। उसके बाद जो इंजन है ना ये वन ऑफ द बेस्ट 155 cc इंजन जो है लाइक बोल सकता हूँ अभी तक जितनी भी मार्केट में बाइक है ना इस सेगमेंट में, इस इंजन का कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब यामा, सुजुकी, होंडा, इन तीन कंपनीज़ का कोई तोड़ नहीं है। तो ये जो इंजन है वन ऑफ द बेस्ट इंजन है जो कि MT15 में भी देखने मिलता है, एरोक्स में भी देखने मिलता है, XSR में भी देखने मिलता है। तो ये जो इंजन है ना काफ़ी बढ़िया सक्सेसफुल इंजन रहा है यामा का। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट फुटरेस्ट, रियर ब्रेकिंग, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है जो कि आप देख सकते हो ब्लैक कलर में दिख रहा है। यहाँ रियर ब्रेक ऑयल है, ये रियर फुट स्टेपर है। उसके बाद स्प्लिट सीट है, सीट की जो है ना पैडिंग लाइक आपको इतनी वो नहीं लगेगी, आपको लगेगा लाइक जो है कंफर्टेबल नहीं है, बट जब आप चलाओगे ना तो आपको ये कंफर्टेबल लगेगी, कंफर्ट देगी फ्रंट वाली सीट। रियर पे ये कि थोड़ा सा कम कंफर्ट है, बट हाँ राइडर के लिए जो है बाइक अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे VBA की जो है पूरी स्टिकरिंग की गई है। यहाँ पे 140 सेक्शन का टायर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपको एग्जॉस्ट पूरा देखने को मिलेगा। उसके बाद ड्यूअल चेन ABS पीछे भी ABS यहाँ पे दिया है। यहाँ पे जो आपको LED टेल लाइट मिलेगी जो कि V3 में और V4 लाइक सेम ही आपको देखने मिलती आ रही है। उसके बाद हेलोजन इंडिकेटर, हेलोजन में ही जो है नंबर प्लेट की लाइट आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे रिफ्लेक्टर वगैरह है। यहाँ पे जो टायर अगर आपको देखने मिल जाएगा, जो व्हील है ना वो पीछे आपको रेडियल मिल जाता है, आगे जो है नॉर्मल है। उसके बाद ये ऑरेंज कलर में व्हील, सो देखने में जो है वैसे ही बढ़िया लगते हैं। और एल्यूमिनियम में जो है पूरा आपको पीछे ये इसका फ्रेम देखने मिलेगा, लाइक स्विंग आर्म जो है ना पूरा ही एल्यूमिनियम में देखने मिलता है जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद यदि मैं साइड यहाँ पे जो है ना सीट यदि आपको खोलनी है पीछे वाली, तो यहाँ से आप लोग खोल सकते हो। यहाँ पे साइड गार्ड पूरा दिया गया है इसके अंदर, और जो एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म है पूरा यहाँ से विजिबल है, पूरा आपको दिखेगा। इसमें क्या ना शेप आपको बढ़िया मिल जाती है जब आप लाइक हाईवेज वगैरह पे जो है कॉर्निंग वगैरह करते हो, तो वहाँ पे जो आपको एक बढ़िया बैलेंसिंग मिल जाती है। यहाँ पे क्विक शिफ्टर ऑफर किया गया, उसी के साथ में साइड स्टैंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो एयर प्रेशर वगैरह है ना वो यहाँ पे मेंशन किया गया, आपको यदि देखना तो आप देख सकते हो। बाकी एज योर विश, 6 स्पीड का गेयरबॉक्स है, एक नीचे बाकी 5 के 5 जो है ऊपर डलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बटन्स आपको मिल जाते हैं, हाई बीम, लो बीम, पासिंग लाइट, इंडिकेटर, ड्यूअल हॉर्न, क्लिप ऑन हैंडल बार, उसी के साथ में यहाँ पे इग्निशन का बटन है। आपको जो एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ, उसके
उसके बाद यहाँ पे जो है हैजार्ड का जो बटन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मीटर की जितनी भी सेटिंग्स है ना वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है ना कि भाई आपको गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, दो राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं इसके अंदर, स्ट्रीट और जो है आपको ट्रैक मोड मिल जाएगा जिसमें क्या है टाइमर वगैरह इसमें ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो आर पी एम मीटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर फ्यूल मीटर मिल जाएगा, ऊपर टाइमिंग मीटर, यहाँ पे आर पी एम लाइट वगैरह, मैं ऑफ द्वारा से जो ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग जो है ऊपर लाइट जलेगी। तो कुछ इस तरीके से जलती है जब भाई वी वी एस के एक्टिवेट हो जाता है ना, तब उसके साइड में पूरे कनेक्टेड इसमें आपको लाइक ये यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट मिलता है, तो उसकी जितनी भी वार्निंग लाइट्स है ना वो इधर जलेगी, उसके बाद बाकी की सारी इधर। बट ये इतनी प्रैक्टिकल है नहीं भाई, मैंने भी लाइक आर एन फाइव रखी है बट कभी भी काम में नहीं आई ये सब चीज़ें, तो ये सब ऐसे ही है लाइक फ़ीचर के नाम पे, बस फैंसी फीचर्स हैं। उसके बाद इसमें क्या मिलता है आपको बता देता हूँ, यहाँ से बटन आपको मिलता है। तो जैसे मैं ट्रिप पे क्लिक करूँगा तो ट्रिप आ जाएगी, ट्रिप वन, ट्रिप टू, ट्रिप एफ और यहाँ पे ऑडोमीटर। और जो दूसरा इन्फो, इन्फो पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बैटरी वोल्टेज आ जाएगी, कूलेंट, ट्रैक मोड, यहाँ पे जो आपको माइलेज दिखा देगा, ये यहाँ पे एवरेज माइलेज, यहाँ पे जो आपको एवरेज स्पीड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, इसको मैं ऑफ भी कर सकते हो, तो बटन को दबा के रखूँगा तो ये देखो ऑफ हो गया, दोबारा से दबा के रखूँगा तो बंद हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल। तो कुछ इस तरीके की सारी सेटिंग्स वगैरह है। बाकी यहाँ पे बड़ी सी विंडशील्ड है, ये मिरर्स आपको मिल जाएंगे फोल्डेबल। तो ओवरऑल जो सारी चीज़ें बड़ी है, 2,20,000 के करीब जो इसकी ऑन रोड प्राइस है फरीदाबाद में नॉर्दर्न मोटर्स पे। तो आप लोग जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो इनको यदि आपको ये बाइक चाहिए, तो भाई आपको मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा स्टॉक आई थिंक इन्हीं के पास है, मतलब पूरे NCR में। तो ये जो है भाई मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगी बाइक। बट 2024 में क्या नया है इसमें तो आपको बता दो भाई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, सिर्फ इसकी प्राइस बढ़ी है। पहले 2,18,000 की ऑन रोड थी, अभी 2,000 रुपये और बढ़ गए इसकी। तो जो लोग 2024 में ले रहे हैं ना, तो वो लोग बस ये चीज़ देख के चलना कि प्राइस थोड़ी बढ़ी है, बाकी कोई भी चीज़ें इसमें नहीं बदली गई है, सारी चीज़ें वही है जो पहले आपको मिलती। तो अभी आपके कोई भी डाउट्स होना तो भाई नीचे कमेंट जरूर से कर लेना, और नेक्स्ट कौन सी बाइक का रिव्यू चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।